नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जानकारी के मुताबिक यहां पर पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस बीच युवक अपने झांसे में लेकर यहां पर एक सुनसान इलाके में ले गया जहां पर संबंध बनाए। साथ में इस वक्त ही उन्होंने फोटो और वीडियो बना लिए और इसके जरिए बार बार यहाँ पर शोषण का दबाव बना रहा था। इसी बीच यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये खबर नर्मदापुर से सामने आ रही है जहाँ पर उसने सभी से तंग आकर अपने माँ और भाई को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। इस बीच फिलहाल महिला थाना नर्मदापुर में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक इटारसी के भारत टाकीज के पास रहने वाले तनिष्क जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय इटारसी फरियाद ने रिपोर्ट दी है कि बताया कि साल 2023 में फेसबुक के माध्यम से तनिष्क जायसवाल से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती होते होते दोनों के नंबर शेयर हुए, बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने मिलने का मौका लिया। इस बीच बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी एक होटल के सामने ही सुनसान इलाके पर दोनों पहुंचे जहां पर बताया जा रहा है कि कार को लेकर गए जहां पर उन्होंने इस गलत वारदात को अंजाम दिया। साथ में उन्होंने फोटो और वीडियो बना लिए और फोटो और वीडियो के जरिए करीब 4 से 5 बार उन्होंने मौका पाकर इसको अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद से बताया जा रहा है कि आरोपी यहां पर फिर से रात 10 बजे नर्मदापुरम जिन बाबा मंदिर के पास मिलने का दबाव बना रहा था। इन सभी से परेशान होकर मामला दर्ज करा है, फिलहाल जाँच की जा रही है। तो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।